यार बहुत खराब रास्ता है ये, बहुत खराब है। मतलब जो 90 किलोमीटर है इस रास्ते पे अगर कोई टोल मांगेगा तो मैं तो झगड़ लूंगा। पापा से चला मैं क्यों यहाँ मना करती हूँ। हाँ पर मम्मी अक्सर जंगल से डरती थी, पर ये रास्ता इस बार बहुत खराब है। और हम लोग भूख भी लग रही थी पर सारी जगह बंद हो चुकी है। रात के 12:30 बज रहे हैं अभी, 12:30-1 शायद। तो हम ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई ढाबा मिल जाए तो वहाँ से कुछ खा लेंगे या चाय पी लेंगे, पर ये रास्ता इतना गंदा है। इधर के 90 किलोमीटर इतने लंबे लग रहे हैं। नागपुर से छिंदवाड़ा 150 किलोमीटर या 120 किलोमीटर थे, वो तो 2-3 घंटे ही में आ गए थे, और ये 90 किलोमीटर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हम पूरा सुनसान से बीमारी है, साइड का देखा कुछ दिख ही नहीं रहा, पूरा अंधेरा है। जाके बहुत कम से कम वो गंदा 25-30 किलोमीटर का रास्ता क्रॉस करने के बाद एक ढाबा आया बड़ी मुश्किल से जहाँ, और यहाँ की रोड भी थोड़ी अभी अच्छी लग रही है। तो श्रेयस और मतलब पापा और श्रेयस चाय लेने गए, तब तक मैं भी बैठी थी। श्रेयस कैसा लग रहा है इतने देर बाद इंसानों को देख के? अच्छा लग रहा है, और अकॉर्डिंग टू ढाबे वाला अंकल यहाँ जितना अभी अपन आए हैं 40 किलोमीटर लगता है, ये खराब है एज कम्पेयर। ये मतलब ये खराब नहीं है, जो अब जो लंबा रास्ता हाँ, आने वाला है नरसिंहपुर तक उतना खराब नहीं है, बोले थोड़ा बहुत कच्चा पक्का। और अभी घाटी और आएंगी? नहीं घाटी तो ये थी ना एक, इसके अलावा घाटी नरसिंहपुर के आगे आएगी या आएगी एक घाटी शायद। क्या बोल, अब जाके यहाँ अभी तो मनाली तक पहुँचे भी नहीं है, पर ठंडी बहुत लग रही है। नागपुर से बाहर निकल के अक्सर असली ठंड का एहसास होता है। यहाँ की ठंडी सहन नहीं हो रही, आगे क्या सहन होगी। हाय हाय गाड़ी मस्त दिख रही है, एक नंबर, काफी कुछ भी ठंड नहीं, काफी बड़ा कप है ये, वेरी एक्सपेंसिव। कैफे कॉफी थी, कैफे कॉफी, ओह ठंडी मम्मी। चलो आगे के रास्ते में बताएंगे। मैं कांप रही हूँ, देख जितनी ठंडी हवा है उतनी ज्यादा। मगर चाय से भाप क्यों नहीं निकल रही? गर्म लग रही है चाय लेकिन भाप नहीं निकल रही। ये मेरे को अजीब लग रही थोड़ी चीज़। मैं नहीं बैठ सकती बाहर, मैं जम रही हूँ। क्यों नहीं जा रही? जा रही तो है क्या? है क्या सब्जी नहीं मिलेगी? सब्जी अपने पास रखी है ना, सब्जी अपने पास रखी, चार रख ले लो, चार पाँच हाँ पाँच ले लो पाँच। तो जैसे कि श्रेया को पता है हमारे पास सब्जी है मगर रोटी नहीं है, तो हम रोटी ले लेते हैं ढाबे से। नहीं हो रही ठंडी इतनी, नहीं हो रही है। वो पूरे रास्ते में सिर्फ एक यही एक ढाबा दिखा अच्छा सा, और कोई ढाबा नहीं दिखा। और अभी फिर कम से कम 30 किलोमीटर चलने के बाद ये जगह आई है, यहाँ पे कुछ मिल रहा है तो पापा चिप्स लेने गए हैं, बाकी यहाँ पे मंदिर है। कौन सा फ्लेवर चाहिए? तू ऐसे बोल रहा है, 150 रुपया? 150 रुपया देगा? क्या लेके आए? ये कौन सी कंपनी का है? नकली चिप्स? ये कोई इजी फन चिप्स करके है, पापा ये तुमने 5 रुपए की? कोई नहीं, FSSAI वाली तो है ना। हाँ चलो FSSAI भी है, कोई नहीं। तो इसको कहते हैं हाईवे, 4-way हाईवे, मस्त। ये अभी शायद नरसिंहपुर से सागर तक का ऐसा ही सेम रास्ता है, और इसमें कैसा अपन एक कांस्टेंट स्पीड पे अगर अपन बस क्रूज करते रहना, मज़ा आएगा, गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, और फिर समय का पता भी नहीं चलता आप कब पहुंच जाए। ज़्यादा तेज़ भी नहीं भगाना चाहिए इस रास्ते में, और रात को तो बिल्कुल नहीं भगाना चाहिए। सागर में एक ढाबा है सत्यम ढाबा करके, तो हमको वहाँ हमारा एक स्टॉप है, थोड़ा टाइम लेंगे हम वहाँ पे, क्योंकि खाएंगे पियेंगे वहाँ पे, कुछ खाए नहीं पियेंगे तो नहीं खाएंगे ही, हम लोग खाते पीते तो है नहीं। ये लड़की पीती है, लाइट चालू कर, तो चलते हैं अभी, यही रास्ते पे चल रहे हैं, मज़ेदार चल रहा है। मैं को चलाना था लेकिन अब पापा ही चला रहे हैं, फिर मैं चला लूँगा थोड़ी देर बाद। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, मैं बीच में 2 बार सो चुकी हूँ, और हम लोग कहाँ से निकले थे,
नरसिंहपुर से सागर यहाँ पे आए थे, तो वहाँ यानी नरसिंहपुर के पहले का रास्ता बहुत ख़राब था, अमर छिंदवाड़ा से अमरवाड़ा का बहुत गंदा था, उसके बाद अमरवाड़ा से नरसिंहपुर भी बहुत बेकार था, पर नरसिंहपुर से सागर का रास्ता फोर वे था, बहुत अच्छा था। तो मैं 3 बार सो गई, पर पता नहीं फिर नींद खुल गई। अभी यहाँ पे थोड़े देर गाड़ी ठंडी करने के लिए रुके और कुछ खाते हैं, उसके बाद यहाँ से जाएंगे ओरछा, फिर वहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे। तब तक ऐसी मैं गाड़ी ठंडी लग रही है तो ओढ़ के बैठी हूँ। बाकी श्रेयस क्या है पूछने की, अभी मतलब खाना वगैरह बन रहा है या नहीं बन रहा है? नींद आ रही है।